दोस्तों, पहले के समय में जब चोरी होती थी तो सुबह होते होते आपके पड़ोसी को भी मालूम हो जाता था कि चोर ने चोरी कहाँ कहाँ की है। जैसे जैसे समय बीता, सब कुछ पतला, हम बदले, आसपास की जगह बदली, ठीक वैसे ही चोरों ने चोरी करने का तरीका भी बदला। आज के समय में टेक्नोलॉजी हम सबके जीवन के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रही है। मोबाइल फोन, लैपटॉप और इंटरनेट, ये सब मानो हमारे शरीर का एक हिस्सा ही बन चुके हैं। मोबाइल फोन और इंटरनेट की बदौलत ही हम उन लोगों से बात कर सकते हैं जो हमसे मिलो दूर बैठे हैं, या फिर कोई भी डील करना इसी स्मार्टफोन और इंटरनेट की वजह से संभव हो पाया। पर क्या आप जानते हैं, इस डिजिटल युग में जब हम खुद को अपडेट करने में लगे हुए थे, वहीं चोरों ने चोरी करने का ढंग भी डिजिटलाइज कर दिया। इस तरीके से आपके पड़ोसी क्या, आप तक को भी खबर नहीं होती। जहाँ जहाँ मोबाइल फोन और इंटरनेट हमारे लिए एक वरदान साबित हुए, वहीं ये हमारे लिए बहुत से नए खतरे भी सामने लाए। इन दिनों हमारे महत्वपूर्ण ट्रांजैक्शन इंटरनेट पे हो रहे हैं। दुनिया भर में बढ़ती कनेक्टिविटी जो हमारे जीवन को बहुत ही आसान बना रही है, वहीं इसके खतरे भी बढ़ गए हैं कि हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन जैसे फोटोज, वीडियोस या फिर पासवर्ड को कोई हैकर्स या साइबर क्रिमिनल चुरा ना ले। हैकर के पास अब बहुत से रास्ते हैं जिससे वह हमारी जानकारी चुरा सकता है और उनका मिसयूज कर सकता है। हम आपको ऐसे 6 तरीके बता रहे हैं जिससे आपके पर्सनल डाटा चुराया जा सकता है, और इस वीडियो में हम आपको इन साइबर अटैक या फिर हैकर से कैसे सुरक्षित रहें, ये सब इसी वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम पीयूष और स्वागत है आपका AIU चैनल में। फिशिंग दरअसल एक फ्रॉड ईमेल है जिसकी मदद से आपसे आंकड़े मंगवाए जाते हैं। ये देखने में असली जैसा ही लगता है। हैकर फिशिंग ईमेल के जरिए आपको ये भरोसा दिलाने की कोशिश करता है कि वह आपके फायदे के लिए बैंक अकाउंट की जानकारी या अन्य आंकड़े मंगवा रहा है। मसलन आपके बैंक की तरफ से एक ईमेल आता है जिसमें यह कहा जाता है कि आपका डेबिट कार्ड रद्द हो गया है और कार्ड नंबर या आधार नंबर बताने पर ही आपको नया कार्ड जारी किया जाएगा। आपको लग सकता है कि बैंक ने ही ये जानकारी आपसे मंगवाई है, लेकिन ये हैकर्स भी हो सकते हैं। तो चोर फिशिंग का इस्तेमाल कैसे करते हैं, आइए जानते हैं। फिशिंग ईमेल में एक लिंक होता है जिस पर आपको क्लिक कर नकली वेब पेज पर ले जाया जाता है। अगर आप उनके झांसे में आ गए तो आप वहां अपने अकाउंट की जानकारी दर्ज कर देते हैं। ये हैकर के सर्वर में चला जाता है। इसके बाद हैकर इन जानकारियों का इस्तेमाल कर आपके बैंक खाते या क्रेडिट कार्ड से रकम उड़ा सकता है। दूसरा तरीका ये है कि आपको ईमेल में एक अटैचमेंट भेजा जाता है जिसे डाउनलोड करने के लिए कहा जाता है। जैसे ही आप इसे डाउनलोड करते हैं और खोलते हैं, आपके सिस्टम में एक मालवेयर इंस्टॉल हो जाता है। ये आपके डिवाइस और आंकड़ों तक हैकर्स तक एक रास्ता बना देता है जिसे वह आपके खाते को इजीली एक्सेस कर सकता है। तो कैसे रहे सुरक्षित इससे, आइए जानते हैं। डोमेन नाम या ईमेल एड्रेस में स्पेलिंग की गलतियों पर ध्यान दें। साइबर क्रिमिनल आमतौर पर उस तरह की ईमेल यूज करते हैं जो नामी कंपनियों का हो, बस वो उसमें थोड़ा सा हेर फेर कर देते हैं जिससे वह वास्तविक लगे। किसी भी लिंक पर क्लिक करने से पहले दो बार सोचें। अगर कोई डाउट ईमेल लगे या दिखे तो उस पर क्लिक ना करें। साइबर क्रिमिनल आमतौर पर आपको सुरक्षा के खतरों की धमकी देते रहते हैं, ऐसे जानसे में ना आए। स्थिति पर अपना दिमाग लगाएं और उसके बाद अपने नजदीकी साइबर सेल या पुलिस स्टेशन में बात करें। नंबर 2, मालवेयर। ये एक सॉफ्टवेयर है जो किसी सिस्टम की जानकारी या आंकड़ों की चोरी के लिए बनाया जाता है। ये प्रोग्राम संवेदनशील आंकड़े चोरी करने, उसे डिलीट कर देने, सिस्टम में काम करने का तरीका बदल देने और सिस्टम पर काम करने वाले व्यक्ति पर नजर रखने की एक्टिविटी करता है। आपके सिस्टम में ये प्रोग्राम कई तरीके से इंस्टॉल हो सकता है। कोई आउटडेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम या पायरेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम को ज्यादा देर तक यूज करने या अनजाने लिंक पर क्लिक करने या नकली सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की वजह से ये मालवेयर इंस्टॉल हो सकता है। मालवेयर 4 तरह के हो सकते हैं, वायरस, टॉर्जन, स्पाईवेयर, की लॉगर। तो कैसे रहे सुरक्षित, अच्छा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें, कोई नकली सॉफ्टवेयर डाउनलोड ना करें। इनके जरिए मालवेयर आपके सिस्टम में आ सकता है। आपके सिस्टम के ऑपरेटिंग सिस्टम को हमेशा अपडेट रखें। पायरेटेड ऐप या सॉफ्टवेयर से हमेशा बचें। नंबर 3, मोबाइल ऐप्स।
गूगल प्ले स्टोर या एप्पल प्ले स्टोर पर मौजूद सभी ऐप सुरक्षित नहीं होते। एक तो ये ऐप आपके मोबाइल के सभी डाटा तक पहुंचने की परमिशन मांगते हैं, जिसे हैकर आपकी सारी जानकारी चुरा सकता है, और दूसरे मैसेज मीडिया फाइल तक पहुंचने से यह आपकी गोपनीय जानकारी भी सार्वजनिक कर सकता है। ये सभी अनुमति किसी एप्लीकेशन को ना दें। अकाउंट एक्सेस, इसे आपकी गोपनीय आंकड़े सुरक्षित रहेंगे। इनमें ईमेल और कॉन्टैक्ट लिस्ट शामिल है। एसएमएस की इजाज़त, ये प्रीमियम रेट वाले नंबर पर एसएमएस भेजने से रोकेगा और मोबाइल में आपका बैलेंस बना रहेगा। माइक्रोफोन तक पहुंच, इसे आपकी बातचीत रिकॉर्ड की जा सकती है। डिवाइस एडमिन परमिशन, इसे हैकर्स दूर बैठकर भी आपके डिवाइस को कंट्रोल कर सकता है। वह आपके कामकाज पर नज़र रखने और सभी आंकड़े उड़ा देने जैसी हरकत भी कर सकता है। कॉन्टैक्ट्स, हैकर इसकी चोरी कर आपके जानने वाले को तंग कर सकता है और ये आंकड़े बेच सकता है। तो कैसे बचें? किसी ऐप को डाउनलोड करने से पहले परमिशन चेक करें, उसकी समीक्षा और रेटिंग पर ध्यान दें। 50,000 से कम डाउनलोड वाले ऐप्स इस्तेमाल ना करें। थर्ड पार्टी ऐप स्टोर से ऐप ना लें। नंबर 4, स्मिशिंग, यह भी फिशिंग का ही एक तरीका है। ये ऑनलाइन सिक्योरिटी के मामले में नया खतरा बनकर उभर रहा है, जिसमें आप फोन या एसएमएस पर किसी को व्यक्तिगत जानकारी दे देते हैं। सोशल इंजीनियरिंग का उपयोग कर कोई व्यक्ति आपकी व्यक्तिगत जानकारी आपसे मंगवाता है और आप उसे दे भी देते हैं। इसमें आपके भरोसे का इस्तेमाल कर आपसे जानकारी ले ली जाती है। अटैक करने वाला आपसे ऑनलाइन पासवर्ड से लेकर बैंक अकाउंट डिटेल या OTP CVV तक कुछ भी मांग कर सकता है। एक बार आंकड़े मिल जाने के बाद वह कई तरह से आपकी जानकारी का यूज कर सकता है। कई बार ये मैसेज छोटे से लिंक में भी आते हैं, उस पर क्लिक करने पर आपको जरूरी जानकारी वहां देनी होती है। कैसे रहे सुरक्षित? फोन कॉल या SMS पर अपनी गोपनीय जानकारी किसी को ना दें। किसी मैसेज पर आए लिंक पर क्लिक करने से पहले अच्छी तरह चेक करें। अगर किसी जानकारी के नंबर से आंकड़े मंगवाने का संदेश आया तो उन्हें फोन कर बात करें और पूछें कि जानकारी क्यों चाहिए। नंबर 5, साइबर सिक्योरिटी। आपका लैपटॉप, हार्ड डिस्क या मोबाइल लेकर उसे गोपनीय जानकारी चुरा लेना दरअसल इस तरह के खतरे में आता है। ये तकनीकी खतरे की तुलना में कम महत्व वाला खतरा माना जाता है। ये चोरी किए गए डिवाइस से आंकड़े निकालकर उसका इस्तेमाल करने का मामला है। ये आपके घर या दफ्तर कहीं भी हो सकते हैं। इसे कैसे बचें? अपनी जानकारी संभाल कर रखें। अगर कंप्यूटर, स्मार्टफोन में इस तरह की जानकारी है तो उसे पासवर्ड या पैटर्न से सुरक्षित करें। पासवर्ड लिख कर रखने की आदत ना डालें। सिस्टम को शटडाउन करने या बैंक साइट से लॉग आउट करने के बाद ही बाहर आए। फोन को लॉक करें। अगर आपका डिवाइस खो जाता है तो उस स्थिति में आप आंकड़ों को घर बैठे कैसे मिटा सकें, ऐसी व्यवस्था बनाएं। नंबर 6, असुरक्षित नेटवर्क। पब्लिक वाईफाई यूज करने वाले ग्राहक की व्यक्तिगत जानकारी हैकर आसानी से चुरा सकते हैं। जिन जानकारी को हैकर चुराने का प्रयास करते हैं उनमें क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स, पासवर्ड, चैट मैसेज, ईमेल आईडी, पैन नंबर, आधार नंबर सहित अन्य जानकारी शामिल है। इसे सामान्य भाषा में आइडेंटिटी थेफ्ट भी कहते हैं। अपनी जानकारी सुरक्षित रखने के लिए आप इन जगहों से शॉपिंग और नेट बैंकिंग जैसी एक्टिविटी बिल्कुल ना करें। और कैसे रहे सुरक्षित? ओपन इंटरनेट नेटवर्क से ट्रांजैक्शन बिल्कुल ना करें। घर के वाईफाई को सिक्योर बनाएं और पासवर्ड टफ रखें। आपकी सुरक्षा अपने हाथों में है। सावधान रहें और रात समय चौकसी बरतें। कई हैकर हर वक्त आपके आंकड़ों पर नजर बनाए हुए हैं, जिसे सिर्फ आपकी अलर्टनेस ही आपको बचा सकती है। इस सूत्र को हमेशा याद रखें, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो दोस्तों, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।